मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगस्त महीने में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया है और गुरुवार से अगले 3-4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून टर्फ गंगानगर, हिसार और दिल्ली होते हुए पश्चिम बंगाल और अरब सागर में सक्रिय हो रहा है, जिससे दोनों तरफ से नमी आ रही है। इसके चलते प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सीधी, डिंडौरी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सीहोर, बैतूल, हरदा, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला सहित कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 अगस्त के लिए भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें विदिशा, मंडा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, सिवनी, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, देवास, सीहोर, हरदा, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दामोह, कटनी, छतरपुर, टीकमगढ़ और बालाघाट शामिल है। एक सप्ताह से प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन सिस्टम के कमजोर पड़ जाने से पिछले 3 दिनों से राहत मिली थी। इससे पहले कटनी सहित तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, जिससे लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा था।